निर्देश प्रसारित किए गए हैं। निर्वाचन कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा। माध्यम से लोग आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें कंट्रोल रूम पे फोन करके भी पुलिस प्रशासन के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन में करवाया जाता है। और जैसे कलेक्टर साहब ने आपको कोविड के बढ़ते जो नंबर्स हैं जिनको देखते हुए एक मैसेज मतदाता का, इस चुनाव से मतदाता का फोटो उस पर नहीं रहेगा। और विधानसभा क्षेत्र साडा में एवं जिले के अंदर लगी हुई है। धारा 144 के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। निर्वाचन कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा। निर्वाचन की अधिसूचना नोटिफिकेशन जो जारी करने की तारीख रहेगी 23 मार्च 2021 मंगलवार, जिससे नाम निर्देशन पत्र भरने की वो तारीख भी मानी जाएगी, शुरू हो जाएगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति की अंतिम तारीख 30 मार्च 2021, नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की तारीख रहेगी 31 मार्च 2021, नाम निर्देशन पत्र वापसी प्रस्तुत करने का समय 3 अप्रैल 2021 तक रहेगा। मतदान 17 अप्रैल 2021 को होगा। मतगणना 2 मई 2021 को होगी। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हमारी जैसी कल चुनाव की घोषणा होगी उसके साथ तुरंत ही एक्टिव हो गई है। हमारी कुल 9 फ्लाइंग स्क्वाड कार्यरत है, जो कि 3 फ्लाइंग स्क्वाड एट ए टाइम और हर 8-8 घंटे की पारी में, इस तरह से 9 फ्लाइंग स्क्वाड। वीडियो सर्विलेंस टीम भी हमारी कार्यरत हो चुकी है। इस बाई इलेक्शन में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 2,47,400 इतने वोटर रजिस्टर्ड हैं। और इसमें से पुरुष वोटर की संख्या 1,24,100 और महिला वोटर की संख्या 1,30,300 है। हमारे मतदान केंद्र जो है और कुल मतदान केंद्र कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए जो पिछले चुनाव में 280 थे उसकी जगह अभी 387 मतदान केंद्र किए गए हैं। 900 से ज्यादा हजार से ज्यादा मतदाता कोई भी मतदान केंद्र में नहीं है, इसलिए समय पर्याप्त है और मतदान केंद्रों की संख्या भी पर्याप्त है। कि 80 साल के ऊपर उम्र जिनकी है और जो विकलांग लोग हैं, जो जिनको फिजिकली डिसेबल है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, ऐसे लोग पोस्टल बैलेट प्राप्त कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट से वो अपने घर पे मतदान कर सकते हैं, लेकिन उनको पहले हमारे पास चॉइस देना पड़ेगा। हमारी टीम जाएगी उनके पास, उनसे सहमति पत्र भरवाएगी, उसके बाद हमारी पोलिंग पार्टी जाएगी और लगभग पोलिंग बूथ जैसा ही माहौल तैयार करके एक तरह से मतलब मत की गोपनीयता की सुनिश्चितता रखते हुए उसका मतदान करवाएगी। पुलिस प्रशासन के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन में करवाया जाता है। और जैसे कलेक्टर साहब ने आपको बताया है, फ्लाइंग स्क्वाड्स और SSTs ये सब फील्ड में एक्टिव हो गई हैं। इसके अलावा भी हमारे सभी थाने जो इस कंसर्न असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ते हैं वो, और इसके अलावा जो अन्य थाने भी, उन सबको हमने एक्टिवेट कर दिया है। क्योंकि इस समय कॉन्ट्राबैंड्स की मूवमेंट, इलीगल लिकर के मूवमेंट, इनकी मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उन पर कार्रवाई करने के लिए हमने सबको बता दिया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड हमारे काम कर रहे हैं और साथ साथ अन्य जो हमारी व्यवस्थाएं वो भी इसमें लगी हुई है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो भी इस पूरे प्रोसेस में चलेगा, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कलेक्टर साहब ने बताया है, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में लागू है। तो जो जो व्यवस्थाएं एक विधानसभा पे लागू हैं उसमें कुछ एक को छोड़ के लगभग सारी व्यवस्थाएं पूरे ज़िले में लागू हैं। कि कोविड के बढ़ते जो नंबर्स हैं जिनको देखते हुए एक मैसेज हम सबकी तरफ से ये हम सबको देना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो कोविड गाइडलाइंस हैं इनकी पालना चुनाव के दौरान भी की जाए, क्योंकि कोविड के केसेस इंक्रीज होंगे तो इन फर्दर कोर्स ऑफ टाइम
वो नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, तो इस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी साथ साथ ध्यान दिया जाए।